देश अपना 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दुनिया का सबसे मजबूत गणतंत्र कैसे कायम रहेगा, ये देश के नौजवान पीढ़ी के कंधों पर है। आज हम समाज की उस तस्वीर को लेकर आए हैं जिसमें उन बच्चों को सहारा देकर खड़ा किया है जिनके अपने इस काबिल नहीं थे या फिर दुनिया में ही नहीं थे। आज वो बच्चे अपने नए घर में अपने नए सपनों को संजो रहे हैं। पापा नहीं मम्मी है, वहाँ पे कुछ नहीं सोचा था, यहाँ पे सोचा बिजनेसमैन बनने के लिए। ओ जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। पढ़ नहीं पाते थे वहाँ, वहाँ पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, खेल में मन लगता था। और यहाँ पर इतना अच्छा लगता है जब अपने पन से बच्चे हमारी चिट्ठी हमको लिखते हैं, वो जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है या किसी की शिकायत करनी होती है या यहाँ पे कोई परेशानी हो रही है, कुछ खाने पीने का उनका दिल चाहता है या कहीं घूमने का दिल चाहता है, तो वो चिट्ठी में हमको कुछ चार लिख के दे देते हैं। अल्लामा इकबाल की लाइनें हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। उनके इन लाइनों को कैफ, दानिश, सलमान और हुसैन जैसे बच्चे सच करते दिख रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्हें कुछ सालों पहले तक ये तक भी नहीं पता था कि एक अच्छी जिंदगी क्या होती है। वहीं अब न केवल ये सपने देख रहे हैं बल्कि उन्हें सच करने की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। ईटीवी से रामांशी मिश्रा, लखनऊ।